नमस्कार, हेल्थ विद वास्तु में फिर से आपका एक बार स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से और आनंद से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आटे से बने दीपक के बारे में। आटे से बना दीपक जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं और करने में बहुत आसान है। आपको यदि भरोसा हो तो इस वीडियो को आगे जरूर देखिए, नहीं तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। इस वीडियो में बताई गई बातों को पूरे भरोसे के साथ करिएगा, यकीन मानिए कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल में आप नए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई चैनल में नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आटे की बात करें तो हमारे जीवन में ये दो ग्रहों को काफी अच्छा करता है। एक है चंद्रमा यानी कि मून और दूसरा है शुक्र यानी कि वीनस। एक तरफ जहां चंद्रमा मानसिक मजबूती, स्थिरता और मानसिक शांति देता है, वहीं दूसरी तरफ शुक्र जीवन की सुख सुविधाओं, धन संपत्ति, समृद्धि और भोग विलास, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। जब इस आटे के दीपक में घी या तेल डालकर हम जलाते हैं तो इसकी पावर और भी बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी प्रकार की भी कोई पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, सत्संग हो तो दीपक को जरूर जलाया जाता है। इसे देव स्वरूप मानकर जलाने की प्रथा है, जिससे कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। ऐसे में आटे का दीपक बहुत बड़े किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। आटे के दीपक को जलाने से ये चारों तरफ की निगेटिव एनर्जी और निगेटिविटी को समाप्त कर देता है। आटे के दीपक को दूसरे दीपक की तुलना में ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि आटे के दीपक को माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त रहती है। किसी भी देवी देवता की पूजा आप करते हो तो अपनी पूजा में आटे के दीपक का प्रयोग जरूर करिए। किसी कामना के साथ आटे का दीपक जलाकर पूजन करने से वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। थोड़े से आटे से रोज दीपक बनाइए और संकल्प के साथ पूजा करिए। अगर आप अपने शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो उड़द के आटे से बना दीपक उसमें बाती डालकर जलाइए, पूजन करिए। इससे शत्रु पर आपको विजय प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हैं कि परिवार में शांति रहे तो आप मूंग के आटे से बने दीपक को जलाकर पूजन करिए। किसी विवाद, झगड़े, झंझट में सफलता पाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर दीपक बनाइए और घी बाती डालकर उसका पूजन करिए। इन झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। धनतेरस के दिन आटे का दीपक जलाकर पूजा करने से सुख समृद्धि का वास तो होता ही है और परिवार में सदस्यों की आयु लंबी होती है। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, शीघ्र विवाह चाहते हैं, नौकरी नहीं लग रही है या उसमें कोई अड़चन है या किसी रोग से बीमारी से परेशान है, संतान सुख से वंचित है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बना रहता है, कानूनी विवाद या कोई संपत्ति का विवाद है, तो इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए आटे में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर दीपक आपको बनाना है। फिर घी और बत्ती डालकर अपने उद्देश्य को मन में याद रखते हुए आपको पूजन करना है। ऐसा पूजा आपको 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन करना है। ऐसा आपको मन में एक बार संकल्प ले लेना है और दीपक आपको रोज नया बनाना है, फिर जलाकर आपको इसका पूजन करना है। ध्यान रखिए, जितने दिन का संकल्प लें वह बीच में खंडित न हो। संकल्प के अंतिम दिन या 11वें दिन, 21वें दिन या 91वें दिन आप प्रभु को कहिए कि मैंने अपना संकल्प पूरा किया है, अब आपको संकल्प करने की पूरा करने की आपकी बारी है, आप मेरे संकल्प को पूरा करिए, आपकी मनसा जरूर पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आटे के दीपक के बारे में। इतनी सारी समस्याओं से हम आसानी से इस आसान उपाय से बच सकते हैं।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, जिससे कि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।